गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय एसएलचेम। तो चलिए अभी हम लोग वैसे फिलहाल तो आए हैं यूरो लीग का मैच जो होने वाला है रात के 11 बजे उसके बारे में डिस्कस करने। बट इस मैच के बारे में उतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। और इस मैच के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा क्योंकि मैच की स्मॉल लीग की टीम देते ही हैं और ZL की टीम आप लोग खुद से ट्राई करते नहीं हो पता नहीं क्यों। तो इसलिए सबसे पहले बात तो ये बताना चाहते हैं कि आप लोग का इन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा सवाल रहता है। कुछ लोग हमेशा मतलब कहते रहते हो हमेशा कि भाई लॉस हो गया, भाई लॉस हो गया, भाई ये हो गया। एक बात बताओ, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि एसएल चैंप चैनल पर जितने भी टीम आते हैं उसमें से कितने मैच हम लोग का क्लीन स्वीप जाता है, कितने मैच एवरेज जाता है। तो आप एक चीज़ पाओगे, कम से कम 50% मैच तो क्लीन स्वीप जाएगा, 10-20% मैच एवरेज जाएगा और 10-20% मैच लॉस जाएगा। तो उसी लॉस वाले मैच में आप लोगों का लॉस कैसे हो जाता है पूरा का पूरा, मुझे ये बताओ। मैन पूरी कहानी का मतलब यही है कि आप लोगों को एक मैच में पैसे डालने की आदत हो जाती है। अब जैसे कि आज दो बास्केटबॉल लीग की मैच है, पहले मैच में आप लोग कस के पैसे डाल दोगे, दूसरे में लगाने के लिए बचेगा ही नहीं। पता चला गलती से पहले मैच में कुछ ऐसा हो गया, वो लॉस हुआ, तो आप लोग रोओगे बैठ के। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो ना कि कभी भी एक मैच में सारा पैसा तो डालो ही मत। कितनी बार समझा चुका हूँ ये बात चैनल पर, हमेशा बोलता हूँ कि इक्वल इन्वेस्टमेंट रखिए सारे मैचेज में। 3 मेंबर 4 मेंबर खेलिए, हेड टू हेड खेलने का सजेशन वैसे भी हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। 3 मेंबर 4 मेंबर खेलिए और इक्वल इन्वेस्टमेंट रखिए। और इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह के रखिए, चलिए 20 पार्ट आप नहीं कर सकते तो कम से कम 10 पार्ट तो कीजिए। टोटल मनी जो है उसका 10 पार्ट कर लीजिए, 1 पार्ट हर एक मैच में लगाइए। मैच अच्छा हो खराब हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हर 10 मैच खेल के देखिए, उसका देखिए आप ओवरऑल बेनिफिट में रहेंगे। तो चलिए अभी इतना इन्वेस्टमेंट के लिए बता दिया, काफ़ी हो गया। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि हम लोग दिन भर में एक वीडियो आपको देते हैं ताकि आप लोग वीडियो को देखो, हम लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो। इतना वर्क करते हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, तो उसका कुछ बेनिफिट के लिए ना। और हम चैनल 100% फ्री है, कभी किसी तरह का कोई भी चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है। तो हम लोगों का जो भी है एक यूट्यूब से हम लोग अपना ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस चीज़ में आप लोग साथ दीजिए। तो चलिए अभी फिलहाल बता दें, रियल मैड्रिड और मकाबी तेल अविव दोनों ही टीम स्ट्रांग है, ठीक है। बात करें यहाँ से मकाबी तेल अविव की, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग रियल मैड्रिड भी स्ट्रांग है, दोनों टीम इक्वली स्ट्रांग है, तो दोनों टीम का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। मैच का जो है स्कोर लाइन अप्रॉक्स 85-90 का रहेगा, 85 से 90 के बीच में दोनों टीम का पॉइंट रहेगा। तो चलिए अभी फिलहाल दिखा देते हैं दोनों टीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर और उसके बाद लास्ट कुछ मैच के परफॉर्मेंस। तो रियल मैड्रिड की इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यहाँ एफ कंपायो, जे करोल, ए अवेल डियाज, अगर ये स्टार्ट करता है तो इंपॉर्टेंट, अदरवाइज स्टार्ट नहीं करता है तो इसे छोड़ देना। टी थ्रम्पकिस, डब्लू ट्रैवर्स, ये 5 प्लेयर हैं यहाँ से। और मकाबी तेल अविव की बात करें तो यहाँ से आप यहाँ ई वेरियंट, सी जोन्स, एस वेबलिंग्स, ए जिजिक, टी डॉर्जी, ये बेंच पे रहता है जनरली बट बेंच से भी अच्छा खेलता है। अगर ये स्टार्ट कर दे फिर तो कोई बात ही नहीं, इसे आराम से लेकर चल सकते हैं। ये दोनों टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए। और अब हम बात करते हैं पिछले कुछ मैचेस के और एक पॉसिबल स्मॉल लीग टीम की। तो आप पिछले कुछ मैचेस का यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि एफ कंपाजो, ए रेडोल्फ, ए अवेल डियाज, डब्लू ट्रैवर्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया, और टी थ्रम्पकिस, ठीक है। एक चीज़ आप देखिएगा, रियल मैड्रिड जो है अपने स्टार्टिंग प्लेयर को ही ज़्यादा टाइम देता है, बेंच प्लेयर को उतना ज़्यादा टाइम नहीं देता है, ठीक है। लेकिन मकाबी तेल अविव जो है वो अपने बेंच प्लेयर को भी मौका देता है और स्टार्टर को भी देता है, लेकिन रियल मैड्रिड टीम जो है स्टार्टर को ज़्यादा चांस देता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं डब्लू ट्रैवर्स, ए रेडोल्फ, सी जॉन्स, ए अवेल डियाज, जे कैरोल। तो यहाँ से आपको यही दिखेगा कि डब्लू ट्रैवर्स का ठीक ठाक है ब्लॉक वगैरह, एफ कंपाजो का स्टील बढ़िया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि एफ कंपाजो, डब्लू ट्रैवर्स, ए रेडोल्फ, ए अवेल डियाज, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के, ये पिछले कुछ मैचेज के आप देख लीजिए। जे कैरोल भी ठीक ठाक प्लेयर है कुछ, बट एफ कंपाजो अच्छा चॉइस है, एस पी चॉइस भी रहेगा। अब हम बात करते हैं मकाबी तेल अविव का। तो मकाबी तेल अविव से देखिएगा, यहाँ स्टार्टर प्लस बेंच दोनों को ठीक ठाक टाइम मिलता है। यहाँ से आपको ई वेरिएंट, एस बेवलिंग्स, ए जिजिक अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, सी जोन्स और टी डोर्जी, ये 5 में इंपॉर्टेंट प्लेयर ये बताया था, जिसमें से कि टी डोर्जी के बारे में बताया हूँ कि ये हमेशा बेंच से ही खेलता है, जनरली स्टार्ट करते हुए नहीं दिखता है, बट प्लेयर अच्छा है आपको। ए जिजिक बहुत ही अच्छा चॉइस होने वाला है क्योंकि हर मैच में इसका रिबाउंड ज़्यादा होता है, और जिस प्लेयर के पास रिबाउंड कैपेसिटी ज़्यादा होता है वैसे प्लेयर कभी फेल नहीं होते हैं, ठीक है। रिबाउंड, असिस्ट, ये सब जिस प्लेयर की ज़्यादा स्ट्रेंथ हो वो प्लेयर फेल नहीं होता है, सिर्फ पॉइंट जो देता है वो प्लेयर फेल हो सकता है। जैसे टी डॉर्जी सिर्फ पॉइंट देता है तो ये प्लेयर किसी दिन फेल हो सकता है, अगर आप सामने वाला टीम में ब्लॉक करने वाला अच्छा प्लेयर है तो फिर ऐसे केस में आपको टी डॉर्जी को चलने नहीं देगा।
तो सिर्फ पॉइंट जो स्कोर करे, सिर्फ पॉइंट पे ही पूरा उसका स्ट्रेंथ हो, ऐसे प्लेयर के फेल होने के चांसेस हैं अगर सामने वाले टीम के पास ब्लॉक करने वाला प्लेयर हो तो, और सामने वाले टीम के पास ब्लॉक करने वाला प्लेयर ऑलरेडी है, डब्लू ट्रेवर्स है और आपको एफ कंपा जो स्टील करने वाला है, तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ टी डॉलर थोड़ा फैल हो सकता है, बट जो असिस्ट और रिबाउंड करता है ऐसे प्लेयर फैल नहीं होते, क्योंकि वो असिस्ट और रिबाउंड दे ही देगा, ठीक है। तो ये एक मैच देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए फिर से यहाँ पे इवेरियन टेस्ट बिब्लिक्स एजीजी का, आप देखिएगा हर जगह पे आपको रिबाउंड पॉइंट ब्लॉक स्टील सब कुछ इसका मिल जाएगा, इसलिए एजीजी मुझे अच्छा चॉइस लग रहा है, ठीक है। अब चलिए एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, और फाइनल टीम टेलीग्राम पे दूंगा, वहाँ कैसे आना है वो भी बता देता हूँ। तो क्रेडिट प्रॉब्लम है थोड़ा सा इस मैच में, तो पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम फिलहाल कुछ इस प्रकार हम बनाए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, एफ कंपाजो, डब्ल्यू इवेरियंट, जे कैरोल, सी जॉन्स, ए एवल डीएच, अगर स्टार्ट करता है तो, स्टार्ट नहीं करता तो उसे ड्रॉप करेंगे, टी थ्रम्पकिस, ए रेडोल्फ और ए जेजिक को मैं यहाँ से पिपी लिया हूँ, ए रेडोल्फ को यहाँ से, एफ कंपाजो को एस पी लिया हूँ और ए जेजिक को पिपी लिया हूँ। एस पी पिपी हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो देखेंगे स्टार्ट कौन करता है उस हिसाब से चलेंगे। तो चलिए फाइनल टीम हम लोग टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग जाके सर्च कीजिए @NitishForyou, जैसे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको एस एल चैम्प लिंक नाम से चैनल मिलेगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारा लिंक मिल जाएगा, वीडियो का जो टाइटल है उस पर टैप कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लिंक पे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो एस एल चैम्प लिंक नाम से ग्रुप पाइएगा, यहाँ सिर्फ लिंक मिलेगा आपको, यहाँ टीम नहीं मिलेगी, सिर्फ लिंक मिलेगी मेरे मेन चैनल की, तो इस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा। आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप मेन चैनल में आ जाएंगे, आपको 19K का दिखेगा, यहाँ पे हम आप सारा टीम स्क्वाड लाइनअप सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कल का भी मैच का विनिंग वगैरह सब टोटल सब कुछ दिख जाएगा। कल का फर्स्ट मैच थोड़ा गड़बड़ गया था, बट बाकी के दो मैच बहुत ही अच्छे गए थे, तीन मैच हुआ था कल बास्केटबॉल का, और क्रिकेट वगैरह सारे टीम हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और जो क्रेडिट प्रॉब्लम मैचेज हो उसको आप खेल सकते हैं विजन 11 एप्लीकेशन पे, उसका भी लिंक हम यहाँ पे दिए हुए हैं, एसएल चैंप लिंक ग्रुप पे, विजन 11 और प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन दोनों पे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, और विजन 11 पे क्रेडिट प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है, और इसकी टीम डिफरेंट होती है ड्रीम 11 से, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप सेम टीम के साथ जाना चाहते हैं तो प्राइम कैप्टन पे जाइए, 5 मिनट वहाँ भी एक्स्ट्रा है। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, और एक बात, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमको बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि वीडियो शेयर कीजिए या कुछ भी, आप लोगों को खुद होना चाहिए कि जब कोई आदमी अपना 3, 4, 5 लोग एडमिन हैं यहाँ पे, वो आप लोगों का इतना केयर कर रहे हैं, आप लोगों को सारे टीम 100% फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कोई भी टीम आपको किसी भी स्पोर्ट का खराब मिलता हो, सारे स्पोर्ट्स के अच्छे टीम मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में आप लोगों का भी कुछ बनता है कि अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट डालिए। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को अभी ही रोकते हैं, और नए मेंबर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे आके हम लोगों का परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अभी ही रोकते हैं, धन्यवाद।